लिफ्ट के केसेस में क्या केस है, मान लो कोई पर्सन लिफ्ट में है, लिफ्ट के अंदर उसका वेट एमजी, कहीं भी उसका वेट एमजी है, और लिफ्ट का फ्लोर उसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब आपने नोट किया होगा कि जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही होती है, नीचे एक्सेलरेट, तो अजीब सा लगता है हमें, क्यों? हमारा जो वेट है, एक्चुअल वेट तो हमारा, रियल वेट तो एमजी होता है, पर हमारे वेट चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं लिफ्ट के अंदर। ऐसा लगता है कि हमें जो है हमारा वेट चेंज हो रहा है, कभी हम हल्के फील करते हैं, कभी भारी फील करते हैं, तभी अजीब अजीब सी फीलिंग आती है जब आप बहुत तेज एक्सेलरेट ऊपर या नीचे करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं। तो इसके अंदर अगर पहला केस है कि लिफ्ट रेस्ट पे है, मैन इसके अंदर है, ये रहा मैन इसके अंदर है, तो मैन ने फ्लोर के ऊपर वेट क्या लगाया, एम जी। तो फ्लोर ने मैन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगाया, एन। यहां तक क्लियर है? लिफ्ट रेस्ट पे है तो फर्क क्या पड़ता है, चाहे ग्राउंड पे खड़ा दो बंदे को, चाहे लिफ्ट पे खड़ा दो जो रेस्ट पे है, कोई फर्क तो है नहीं। और आपने अपना आंसर कैसे देना है, आपने अपना आंसर ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू देना है। मतलब आप ये सोचिए, आप ग्राउंड पे बैठे हैं और आपको मैं सिचुएशन दे रहा हूं, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये मैन आपको दिखाई दे रहा है दूर से, आपको हाँ दिखाई दे रहा है, क्या ये मैन ऊपर नीचे जा रहा है, आप कहेंगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे की फोर्स इक्वेट कर सकते हैं, तो एन इज इक्वल टू क्या, एम जी। तो एन और एम जी बराबर है, पहला पॉइंट क्लियर है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, और अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो वेट एम जी और मैन का नॉर्मल रिएक्शन एन तो है ही है, तो जो बंदा ग्राउंड पे बैठ के आंसर दे रहा है उससे पूछा जाएगा तेरे को मैन कहां दिख रहा है, वो क्या कहेगा, मेरे को मैन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे बैठा हुआ बंदा लिफ्ट को ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या बोलेगा कि मैन मुझे ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैन ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा है ग्राउंड फ्रेम में, तो एन बड़ा है और एम जी छोटा है, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या बनेगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी प्लस एम ए। तो उस मैन को अपना वेट एम जी फील नहीं होगा, उसको लगेगा मेरा वेट बढ़ गया, कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए, यानी कि एम इंटू जी प्लस ए। तो जब भी लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका वेट बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल वेट आपका एम जी होता है, लिफ्ट की मूवमेंट एक्सेलरेशन की वजह से आपका वेट क्या हो जाता है, एम इंटू जी प्लस ए। इस वेट को एक्चुअल वेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ये मुझे लग रहा है, तो इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। तो एपरेंट नॉर्मल रिएक्शन जो आपको देता है, एक्चुअल वेट नहीं देता आपको, क्या दे रहा है, एपरेंट वेट। लेकिन अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो रियल वेट और एपरेंट वेट एग्जैक्टली क्या आती हैं, सेम। लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ तो रियल वेट तो एम जी है, पर एपरेंट वेट कितना है, एम इंटू जी प्लस है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और ऐसी अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको मैन कहाँ नीचे आता हुआ दिखेगा, नीचे, नीचे उसका वेट कितना है, एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन। तो डायग्राम क्या बनेगा, नीचे की फोर्स बड़ी, ऊपर की फोर्स छोटी, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से एन क्या आएगा, एम इंटू जी माइनस ए। तो जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही होगी तो बॉडी को या मैन को लगेगा कि मेरा नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, तो मेरे को वेटलेसनेस की कंडीशन आ सकती है। वेटलेसनेस किसे बोलते हैं, मैं हल्का हो गया और मैं बिल्कुल, मेरा वेट जीरो हो गया। वेट जीरो कब होगा, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी, नीचे आते हुए लिफ्ट की रस्सी टूट गई, तो एक्सेलरेशन लिफ्ट की क्या होगी, जी। जी में से जी क्या हो गया, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब होता है पता है, जब आप ग्राउंड के, ग्राउंड को टच ही नहीं करते, हवा में लटकती हुई बॉडी ग्राउंड को फोर्स लगाएगी नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब ग्राउंड को आप फोर्स लगाते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब आता है, जब आपने ग्राउंड का कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। हवा में लटकती हुई बॉडी का कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, क्लियर है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, ग्राउंड लगाएगा, और ग्राउंड कब लगाएगा, जब आप ग्राउंड पे फोर्स लगाएंगे। आपके पैर तो हवा में है क्योंकि आप तो उड़ रहे हो फ्री फॉल में, तो आपने फोर्स लगाई नहीं, ग्राउंड ने फोर्स लगाई नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जीरो। तो आपको लगेगा आपका वेट क्या हो गया, जीरो। आप ऐसा करना, वेइंग मशीन रख लेना, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ जाना और लिफ्ट की रस्सी तोड़ दो, तो बताओ आपका वेट क्या आएगा मशीन पे, जीरो। मशीन भी उड़ रही है, आप भी उड़ रहे हो, जोर कहां लगेगा, जोर लगेगा ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, जीरो। तो इसे बोलते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन।
तो क्लियर है यहां तक? तो जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है तो आपका वेट आपको कम फील होगा और उस एपरेंट वेट को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, एम इंटू जी माइनस से। तो हमारे पास अब तीन फॉर्मूलाज आ गए। लिफ्ट के केस में अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी है, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन एम इंटू जी प्लस ए है, अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन एम इंटू जी माइनस ए है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तीनों चीजें याद रहेंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि लिफ्ट के केस हमने तीन सॉल्व किए, हमने अपना आंसर दिया, हम कहां बैठे थे? ग्राउंड पे। हम तो अपनी क्लास में बैठे हैं और लिफ्ट देख रहे हैं ऊपर नीचे जा रही है। कोई स्टूडेंट कहता है एक काम करो, आप ना अपने आंसर फिर कैलकुलेट करके बताओ, इस बार ग्राउंड पे मत बैठना, उस मैन के साथ लिफ्ट में जाके खड़े हो जाओ, अब बोलो आंसर कैसे देंगे। मैंने कहा उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये लो मैं खड़ा हो जाता हूं, ये मैं खड़ा हो गया। और उसने कहा अब बोलो इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा आंसर क्या होगा, इसका वेट एम जी और नॉर्मल रिएक्शन एन एन इज इक्वल टू एम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्यों? क्योंकि पहले केस में एक्सेलरेशन है ही नहीं, फर्क क्या पड़ रहा है, एन इज इक्वल टू एम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा एक काम करो इसे सॉल्व करो, जब ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है और आप यहां ग्राउंड पे नहीं है, लिफ्ट के अंदर है, उसके साथ हैं, अब बताएं इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो उस स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि आपको क्या लग रहा है इस मैन के बारे में, क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये मैं क्या बोलता हूं, यार मेरे हिसाब से तो रेस्ट पे ही है ये, क्योंकि मैं खुद लिफ्ट के अंदर बैठा हूं। आप जब चार लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं एक दूसरे को क्या समझते हैं, रेस्ट पे, क्योंकि सारे के सारे मूव कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को लगता है कि रेस्ट पे है। तो मेरे को भी तो ये लगेगा, जब मैं लिफ्ट के अंदर चला गया तो मेरे को लग रहा है ये मैन तो रेस्ट पे है। तो मैंने कहा अगर रेस्ट पे है तो मैं फॉर्मूला न्यूटन का लॉ लगाता हूं। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, ऊपर की फोर्स एन नीचे की फोर्स एम जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी, मैंने लगा दिया। पर नहीं, न्यूटन ने पहले बोल दिया था ध्यान से, ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और अगर आप ट्रेन के अंदर घुस गए, प्लेन के अंदर घुस गए या लिफ्ट के अंदर घुस गए और लिफ्ट एक्सेलरेट करे तो वो फ्रेम क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल। तो मेरा फॉर्मूला मत लगाना, मैं गलत आंसर दूंगा, क्योंकि फ्रेम नॉन इनर्शियल है, क्योंकि इस बार आप ग्राउंड के हिसाब से काम नहीं कर रहे, इस बार आप लिफ्ट के हिसाब से काम कर रहे हो। तो सही आंसर कब मिलेगा, जब आप ऐसे फ्रेम में क्या कंसिडर करेंगे, सूडो फोर्स। जब आप सूडो फोर्स लगाएंगे तो मैं मानूंगा नॉन इनर्शियल इनर्शियल में कन्वर्ट हो गया, फिर आपका आंसर सही आएगा। तो ठीक है, मैं न्यूटन को याद किया, मैंने कहा ये देखो मैं अंदर खड़ा हो जाता हूं तो मुझे रेस्ट पे नजर आ रहा है, अगर मैं सीधा एन एम जी बोलता हूं गलत आंसर, क्योंकि लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट। तो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है और आप लिफ्ट के अंदर अपनी अपने आंसर देना चाह रहे हो तो आपको इस मैन पे क्या लगानी पड़ेगी, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स कहां है, नीचे, कितनी, एम ए। तो सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम ए किया था ना हमने, तो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो एम ए नीचे है। अब मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन है मैन तो रेस्ट पे है और अगर मैन रेस्ट पे है और मैंने सूडो फोर्स भी ले ली तो एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, आंसर वही आएगा जो ऊपर आया था। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करती है ऊपर की तरफ तो आंसर क्या आता है, एम इंटू जी प्लस ए। आपने मजे की चीज देखी, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड काम करते हो आपको सूडो फोर्सेस नहीं लेनी होती क्योंकि आप ऑलरेडी इनर्शियल फ्रेम में हो, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर आप मूविंग लिफ्ट या एक्सेलरेटेड लिफ्ट या ट्रेन के अंदर घुस के काम करते हो फिर आपको सूडो फोर्स लेनी पड़ती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपको सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। अब जैसे ये रहा, अब आखिरी केस है, मान लो लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है, मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं, जब मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं इनसाइड हूं तो क्योंकि लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करे तो मेरे को ये मैन रेस्ट पे नजर आता है। मैं अगर ये बोलूं एन इज इक्वल टू एम जी, आंसर गलत हो गया। तो मेरे को लिफ्ट के अंदर खड़े होकर क्या लेनी पड़ेगी, सूडो फोर्स। तो अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो मैन पे सूडो फोर्स इस बार कहां करेगी, ऊपर। मेरे हिसाब से मैन अभी रेस्ट पे ही है तो ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेज, तो आंसर क्या आएगा, एन प्लस एम इज इक्वल टू एम जी, तो एन इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए। अब ये ना न्यूटन ने कहा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लिफ्ट के अंदर जाके काम करना चाहते हैं या बाहर ही काम करना चाहते हैं। अगर तो बाहर काम करते हैं फिर मत लें सूडो फोर्स, आप अंदर काम करते हैं फिर लें सूडो फोर्स। तो दो मेथड्स हैं, दोनों बता दिए, और इससे ये भी पता लग रहा है कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को कैसे सॉल्व करना है।
आपके आंसर सेम रहते हैं लेकिन आपका सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। ये बाय एक्सपीरियंस जब हम जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, सूडो फोर्सेस लेनी नहीं लेनी ये आपको टाइम बताएगा और प्रैक्टिस ही बताएगी। यहाँ तक क्लियर है लिफ्ट के केस? ठीक है, लिफ्ट के केस के अंदर मान लो एक और केस है, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही, रिटार्ड कर रही है, सॉरी एक्सेलरेट नहीं कर रही, क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। रिटार्डेशन क्या है इसकी, ए। तो नॉर्मल रिएक्शन एन और वेट क्या है इसका, एम जी। तो अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है, देखो अगर एक्सेलरेट कर रही होती तो मेरा फॉर्मूला क्या होता, एम इंटू जी माइनस ए नॉर्मल रिएक्शन का। लेकिन अगर लिफ्ट क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, तो ए की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस ए। तो आंसर क्या आएगा, एम इंटू जी प्लस ए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आपकी लिफ्ट नीचे रिटार्ड कर रही है, अगर तो अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती तो ये फॉर्मूला तो क्लियर ही था, पर अगर रिटार्ड कर रही है तो ए को फिर से क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ब्लाइंडली फॉर्मूला नहीं लगाने, तो ए को नेगेटिव भी पुट करना पड़ेगा इसमें। ये भी क्लियर है यहां तक? ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, है सपोज करो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, इंक्लाइंड प्लेन के यहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, u इज इक्वल टू जीरो से रिलीज कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट पक्की बात है नीचे आएगा, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s। ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो उसके नीचे आने की एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा, किया था हमने इंक्लाइंड प्लेन में। फोर्स क्या होती है नीचे आने की, एम जी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा। तो अगर मैं पूरी जर्नी में टाइम निकाल लूं कितनी देर में बॉडी नीचे आई, तो अप्लाई करो s इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन की जगह क्या पुट करेंगे, g साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? बस मेन चीज क्या है, एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे इसमें, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करेंगे g साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये है, फिर से इंक्लाइन प्लेन है, ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज किया, एस डिस्टेंस नीचे आएगा, टाइम बताओ नीचे आने का। अगर ये पूरा अरेंजमेंट एक लिफ्ट में है और लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है, अब फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमने किया, हमने क्वेश्चन जो किया वो इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे था, अब इस बार लिफ्ट में डाल दिया तो आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से एक लाइन एक स्टेप में आंसर आएगा। आप इमेजिन किया करें कि पहले लिफ्ट में है ही नहीं वो, अगर वो लिफ्ट में है ही नहीं ना, तो टाइम टेकन क्या आया था ऊपर वाली प्रॉब्लम से, अंडर रूट ऑफ 2s / g sin थीटा। यहां तक क्लियर है? अगर वो लिफ्ट में नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो याद करें नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, m into g minus a, जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है m into g minus a, तो जहां जहां g दिख रहा है वहां वहां रिप्लेस कर दे g minus a। तो अगर लिफ्ट नीचे उतर रही है एक्सेलरेट कर रही है तो जो ऊपर फॉर्मूला आया था जहां g दिख रहा है वहां रिप्लेस करें g minus a। अगर यही लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही होती तो फॉर्मूले में क्या पुट कर देते, जी प्लस ए। बहुत सही केस है, अब आज के बाद वो पूरी फिजिक्स पढ़ाएगा, जी की फॉर्मूला ड्राइव करता जाएगा जिसमें जी आते जाएगा, फिर कहेगा उसको लिफ्ट में डाल दो, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है कोई बात नहीं, बिना लिफ्ट के अगर आंसर कुछ भी है जिसमें जी आ रहा है, लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो जी प्लस ए, नीचे आ रही है तो जी, बस ये आंसर में चेंज आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे आंसर मार्क करना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन करने से पहले जरा यहां पे देखो जरा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन
का जो एंगल है सपोज वो एंगल कितने थीटा है, वो एंगल थीटा है, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है एम, एक ब्लॉक का मास क्या है एम, क्लियर है यहां तक। ये ब्लॉक के ऊपर इसका वेट एक्ट करेगा एम जी, नीचे एज यूजुअल एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे हमेशा की तरह, ये देखो, ये देखो, जिसके अंदर ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये क्या बनेगा एम जी कॉस थीटा, और ऐसे ये क्या बनेगा एम जी साइन थीटा, और ये क्या बनेगा नॉर्मल रिएक्शन एन, बन गया। मेरा क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, फ्रिक्शन तो रोकने के लिए है नहीं, तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा, कितनी फोर्स से नीचे आएगा एम जी साइन थीटा, तो कितनी फोर्स से नीचे आएगा एम जी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब मैं ये चाहता हूं कि इस वेज को मैं बहुत तेज एक्सलरेट करवाऊं, पकड़ूं और स्पीड इंक्रीज करता जाऊं, सच दैट कितनी एक्सलरेशन रखूं कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, यहीं रहे जहां है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपने प्रैक्टिकली ऐसा कभी देखा है? अच्छा, आपने ऐसा देखा है, कार की विंडशील्ड है, पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, जब कार तेज स्टार्ट होती है और एक्सलरेट करती है तो पानी के ड्रॉपलेट नीचे गिरने की बजाय या तो रुक जाते हैं या थोड़े ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं हवा से हुआ, अब हवा से भी हो सकता है और फिजिक्स का लॉजिक भी लग सकता है, पर ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पानी के ड्रॉपलेट्स ऊपर आते हैं। अच्छा, और इमेजिन करवाता हूँ, सपोज करो एक वेज है, बहुत बड़ा वेज है, कमरे इतना वेज है, और मैं उसको एक्सलरेट करवाता हुआ तेज भगाता हुआ लेके जा रहा हूँ, सामने एक स्टूडेंट बैठा था रास्ते में, मैंने देखा नहीं और ऊपर की तरफ ले गया, अब क्या होगा? नहीं, वो यहीं बैठा रहेगा? नहीं, अगर मैं बहुत तेज एक्सलरेट करवा रहा हूँ हो सकता है वो वेज के ऊपर आ जाए, और जब मैं रोकूंगा वेज को वो नीचे स्लाइड करता हूँ नीचे आ जाए। ऐसा क्यों? आप फील कर पा रहे हैं कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्लॉक ऊपर क्यों जा सकता है या रुक क्यों सकता है, वो नीचे जाना क्यों बंद कर रहा है? उसका एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका लॉजिक ये है कि जब ये वेज इधर एक्सलरेट करेगा तो इसके ऊपर जितना भी सामान पड़ा होगा इसके अंदर ऊपर, वो सब क्या एक्सपीरियंस करेंगे? सूडो फोर्स पीछे। अब इमेजिन करें आप बैठ जाएं किसी एरोप्लेन के छत पे, बैठ जाएं एरोप्लेन की छत पे, एरोप्लेन को एक्सलेट करने दें, क्या लगता है साथ उड़ जाएंगे आप? नहीं, तो क्या होगा आपके साथ? जितना वो एक्सलेट करेगा सूडो फोर्स से आप पीछे गिर जाएंगे। हवा अगर हटा भी दें, एयर का प्रेशर भी हटा दें, तो भी आप पीछे गए समझो, सूडो फोर्स है। मैं कह रहा हूँ बस्ता नहीं बचता, आप एक्सलरेट करवाओ प्लेन को, देखो बस्ते पीछे आ जाएंगे आपके, सूडो फोर्स एक्ट करती है। तो फिर उसी तरीके से ये भी तो ब्लॉक है, जब ये वेज इधर एक्सलरेट करेगा तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगी? सूडो फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहला पॉइंट क्लियर है? कोई स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाता है कि सर वेज के ऊपर भी तो लगेगी। नहीं, जब प्लेन एक्सलरेट करता है तो प्लेन के अंदर पड़ा हुआ सामान, प्लेन के ऊपर पड़े हुए सामान सब पे लगती है, प्लेन पे नहीं लगती, क्योंकि प्लेन तो जनरेट कर रहा है, प्लेन तो आगे एक्सलरेट कर रहा है, उस पे नहीं लगती, उसके अंदर जो चीजें उन पे लगती है। ट्रेन के अंदर सामान के ऊपर लगेगी, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन तो जनरेट कर रही है सूडो फोर्स, समझ में आ रहा है यहां तक? तो वेज तो एक्सलरेट कर रहा है, वेज के ऊपर जो ब्लॉक है उस पे लगेगी, वेज पे ही लगेगी, वेज तो जनरेट कर रही है, क्लियर है यहां तक? तो वेज अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वेज जो है अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इस ब्लॉक की सूडो फोर्स कहां लगेगी? टूवर्ड्स राइट। कोई डाउट इसमें? सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड एक्सलेशन के हमेशा ऑपोजिट होती है। कोई डाउट इसमें? सूडो फोर्स की वैल्यू बोलो क्या होगी? इसका मास क्या है वेज, इसका ब्लॉक का एम, और वेज की एक्सलेशन क्या है ए। तो सूडो फोर्स निकालनी सिखाई थी, किस पे लगानी है? एम मास पे, तो मास इसका एक्सलेशन वेज की। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो एम इंटू ए सूडो फोर्स कहां करेगी? इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। अब मैथ्स का लॉजिक ये बोलता है, मैथमेटिकल लॉजिक है,
कि ये आपके पास फोर्स है एम ए, ग्रीन कलर की कर रहा हूं सूडो फोर्स, तो अगर मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर लूं कुछ इस तरीके से सच दैट अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, थीटा एंड थीटा, थीटा एंड थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें एक और चीज देखें, इसमें एम ए के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम ए एक ये वाला और एक ये वाला, ध्यान से देखें ये कैसे एम ए के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम ए कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एम ए साइन थीटा। ग्रीन कलर के वेक्टर सारे सूडो फोर्स के कॉम्पोनेंट्स हैं, तो ग्रीन कलर का वेक्टर सूडो फोर्स है, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा है, एम ए का पहला कॉम्पोनेंट एम ए कॉस थीटा है और इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट एम ए साइन थीटा है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? अब एक चीज बताओ मुझे, ये ब्लॉक को नीचे कौन लेके आ रहा था, एम जी साइन थीटा, और कौन ऊपर लेके जा रहा है, एम ए कॉस, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये फोर्स किसने जनरेट करवाई, मैंने बाय अप्लाइंग एक्सेलेरेशन ऑफ ए। तो सोचो अगर मैं लगाना बंद कर देता हूं, चलो छोड़ो ए जीरो, ए जीरो तो ये टर्म जीरो पक्की बात है, ये खींच सकता हूं नीचे आ जाएगा। अब मैं अगर ए तेज लगा देता हूं, बहुत तेज एक्सेलेरेशन है, तो एम ए बहुत बड़ा हो जाएगा, एम ए बड़ा होगा तो एम ए कॉस थीटा भी बड़ा हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा बड़ा होगा, हो सकता है ये ब्लॉक ऊपर खिसकना स्टार्ट हो जाए, डिपेंडिंग आप ए कितना ज्यादा रखते हो, ए जितना ज्यादा रखोगे ये इतना बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये इससे बड़ा होगा तो ऊपर भी जा सकता है, तीन केस हो सकते हैं। आपका मन नहीं है धक्का मारने का, ए छोटा रख दो, रखो ए छोटा रखो, तो एम ए कॉस थीटा छोटा, एम ए साइन थीटा बड़ा, तो ये फिर नीचे आ जाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा लगाओगे सेकंड केस बनेगा, जब ये इसके इक्वल है तो वेज ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। तीसरा केस, ए बहुत तेज लगा दिया तो एम ए कॉस थीटा बड़ा हो गया, एम ए साइन थीटा छोटा हो गया, तो फिर ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में कहाँ ब्लॉक को खिसकाता है, नीचे ऊपर या वहीं रेस्ट पे। तो मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि ये ब्लॉक जो है किस पे पड़ा होना चाहिए एट, तो अगर ये रेस्ट पे है कौन इसको नीचे लेके आ रहा है, एम जी साइन थीटा, और कौन उसको ऊपर लेके जाएगा, एम ए कॉस थीटा। ये देखो इक्वेट कर दिया, एम से एम कैंसल, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी, जी टेन थीटा। तो ये वो एक्सेलेरेशन है जो मैंने वेज को अप्लाई की ताकि ये ब्लॉक किस पे रहे, एट रेस्ट पे रहे। तो क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है, ब्लॉक रेस्ट पे क्यों रहेगा, क्योंकि सूडो फोर्स एक्ट करेगी, सूडो फोर्स का एक हिस्सा ऊपर चला जाएगा जो इसे क्या करेगा, बैलेंस करेगा और ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? दूसरा, इसके अंदर अगर मैं पूछूं नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन एन है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, तो एन इज इक्वल टू क्या, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? देखो नॉर्मल रिएक्शन याद नहीं कर सकते, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। क्वेश्चन में गिवन है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो कौन इसको नीचे लेके आ रहा है, एम जी, कौन बचाएगा गिरने से, ऑपोजिट, तो अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ना ये बड़ा ना ये बड़ा, तो जहां है वहीं का वहीं रहेगा, इक्वेट कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो सूडो फोर्स की एप्लीकेशन देख रहे हो बीच में कैसे यूज कर रहे हैं। काफी लोग ये सोचते हैं हमें कैसे पता लगेगा सूडो फोर्स लगेगी, ये तो बड़ी मुश्किल मुश्किल काम है, कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, प्रैक्टिस। तो मैं आपको अलग अलग टाइप के रोज क्वेश्चन दिखाऊंगा, वैरायटी दिखाऊंगा क्वेश्चंस की, और आप अपने आप वैरायटी देख देख के आपका माइंड वैसे सेट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम में सूडो फोर्स लगेगी और इस टाइप की प्रॉब्लम सूडो फोर्स नहीं लगेगी, बिल्कुल पिक्चर क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। क्लियर है यहां तक? ठीक, देखो सेम क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। अब जो अगली प्रॉब्लम है
उसके अंदर ये स्ट्रिंग है, मासलेस है, और यहाँ पर वेट क्या है, मास क्या है 10 kg, तो वेट क्या है 10 g। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ टेंशन क्या है, टेंशन है 10 g, सही है, सही है। अब मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास कितना है इसमें 10 kg, स्ट्रिंग का मास इसमें 10 kg। यहां पर ये स्ट्रिंग नहीं है, बेसिकली आपको शो किया जाएगा ये स्प्रिंग बैलेंसेस हैं। स्प्रिंग बैलेंस देखे वो रद्दी वाला जो तोड़ रहा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, वो बता देता है कितना रद्दी है या जो भी वेट कितना है सिलेंडर का या किसी चीज का। तो ये वो बैलेंस है, उसके चक्कर में मत पड़े, उसकी फोटो इमेजिन ना करें। कॉन्सेप्ट ये है, इसमें स्ट्रिंग जा रही है, जितनी ज्यादा भार लगाओगे नीचे, वेट जितना ज्यादा होगा, टेंशन स्ट्रिंग में उतनी ही ज्यादा होगी, और ये बैलेंस टेंशन ही मेजर करता है। तो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है, जो भी टेंशन होगी उतना ही वेट होगा। अब क्वेश्चन है, ये सब मासलेस हैं, इसके अंदर ये सारे स्प्रिंग बैलेंसेस मासलेस हैं और अंदर ये पूरी स्प्रिंग जा रही है, तो ये तीनों स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग देंगे? स्प्रिंग बैलेंस देखते ही ये नहीं सोचना कि प्रैक्टिकल होता कैसा है, बस मन में ये सोचना है कि टेंशन निकाल दूं, तो टेंशन विल बी सेम 10 g। वो क्यों? क्योंकि सब तो मासलेस हैं, रस्सी अगर मासलेस है टेंशन रिमेंस सेम, तो तीनों के तीनों स्प्रिंग बैलेंस सेम रीडिंग देंगे। लेकिन अगर इनका मास होता तो सबसे ज्यादा ये रीडिंग देता, फिर ये देता, फिर ये देता, पर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, तो मासलेस है तो आंसर सेम। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन ही आ सकता है स्प्रिंग बैलेंस है, यहां पर 20 kg है, यहां पर 10 kg है, और ये स्ट्रिंग है, तो यहां पर टेंशन TNT, यहां पर वेट क्या है 20 g, यहां पर वेट क्या है 10 g, तो 20 g नीचे आ रहा है विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ए, 10 g ऊपर जा रहा है विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ए, तो आपको बताना है कि स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग क्या देगा। अब कई लोग ना ऐसे सोचते हैं, अच्छा स्प्रिंग रीडिंग क्या देगा, इधर 20 g इधर 10 g, मैं माइनस कर दूं 20 g माइनस 10 g मेरा आंसर आएगा। क्यों इमोशनल हो रहे हो? तुमने क्या करना है स्प्रिंग को देख के? टेंशन मेजर कर दो, बोल तो दिया स्प्रिंग बैलेंस के अंदर टेंशन मेजर कर दो, खत्म। तो आप भूल जाओ इसकी फोटो कैसी है, सोचो स्ट्रिंग है तो मासलेस है, टेंशन TNT सेम, तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी 20 g माइनस टी इज 20 a, और इसकी क्या बनेगी टी माइनस 10 g इज इक्वल टू 10 a। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a आएगा, a को ऊपर पुट करके t आएगा। आप अगर ओरली अपने मन से सॉल्व करेंगे ना, मैं देखूं 20 g में से 10 g माइनस कर दूं, आपका ना आंसर आता, क्योंकि सिस्टम तो एक्सेलरेट करेगा। तो आप लॉजिकली जब आप ओरली करते हो, आप एक्सेलरेशन माइंड में लेते नहीं हो, आप सिंपली फोर्स को माइनस कर देते हो। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मल क्वेश्चन करना है, और स्ट्रिंग की आपने टेंशन ले लेनी है, बस टेंशन निकालनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, स्प्रिंग बैलेंस है, एक बंदा फोर्स लगा रहा है 10, एक लगा रहा है यहाँ 10, तो बोलो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा? अब मन जो कहता है वो कहता है जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों, 10 और 10 आपस में कैंसिल। दूसरा मन कहता है नहीं जीरो नहीं, इधर से भी जोर 10, इधर से भी जोर 10, 10 प्लस 10 20। लेकिन ना इसका आंसर जीरो ना इसका आंसर 20, आंसर है इसका 10। अब वो क्यों? क्योंकि इमोशनल नहीं होना, आपने अपने लॉजिक ऐसे लगा ली नहीं है इधर इधर करके, आपने कहना है मेरे को टेंशन निकालने को कहा गया, सिंपल। तो इस रस्सी में टेंशन TNT है, ये पूरा स्प्रिंग बैलेंस मूव तो करेगा ही नहीं, क्योंकि 10 और 10 इधर भी 10 इधर भी 10 मूवमेंट तो होनी नहीं, तो मूवमेंट ही नहीं होनी, तो T इज इक्वल टू 10, क्योंकि लेफ्ट और राइट की फोर्स बराबर, इधर भी लेफ्ट और राइट की फोर्स बराबर, तो टेंशन कितनी आ गई 10, आंसर 10। टेंशन तो निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें करना है? ठीक है, ठीक है, पॉइंट point...